बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जीसीयूएफ आईटीएस के साथ मैं आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एनुअल सिस्टम की बात करेंगे। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग बात आजकल एनुअल सिस्टम की चल रही है, जिसमें बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट वन एंड टू, जिसमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि क्या उनके पेपर होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने एफिलेटेड कॉलेजेस में पढ़ने वाले फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया है प्रोविजनली सेकंड सेमेस्टर में। तो अब एनुअल सिस्टम वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो परेशान हो रहे हैं, क्या हमें भी प्रमोट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, अगर हमें प्रमोट किया जाएगा तो हमारी अभी तक न्यूज़ क्यों नहीं आई, हाँ अगर हमारे पेपर होने हैं तो वो पेपर कब होंगे। दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक देखें, इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आपके पेपर कब होंगे। आप मेरे इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी राइट इन्फॉर्मेशन जब भी आए, कोई नया नोटिफिकेशन आए यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो वो आपको मिल जाए। दोस्तों अगर बात की जाए एनुअल सिस्टम के बारे में, तो उसमें अभी तक किसी स्टूडेंट को प्रमोट नहीं किया जा रहा, और दूसरी बात कि अगर प्रमोट नहीं किया जा रहा तो फिर उनके पेपर कब होंगे। तो बिल्कुल उनके पेपर की जो डेट शीट है या उनके पेपर की जो इन्फॉर्मेशन है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में आप लोगों को मिल जाएगी। हाँ अगर प्रमोशन के भी कोई चांसेस हुए कि बीए के कुछ स्टूडेंट्स जिनका एडमिशन जा चुका है तो उनको क्या प्रमोट कर दिया जाएगा कि नहीं कर दिया जाएगा, अगर ऐसी भी कोई सिचुएशन हुई तो जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट जो है वो मिलेगी। अभी तक इसके बारे में कोई भी डिसीजन नहीं है। अगर कोई आपको कहता है अभी तक कि कोई प्रमोशन कर दी गई है स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया गया है या उनके पेपर नहीं होंगे या कोई एनी अदर इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है एनुअल सिस्टम के बारे में, तो वो अभी तक रॉन्ग है। अभी तक यूनिवर्सिटी ने ऐसा कोई फ़ैसला नहीं किया एनुअल सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों इस चीज़ की कन्फर्मेशन हमें यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी होती है। अगर आप यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट देखें तो उसके सेकेंड पॉइंट में आप देख रहे होंगे कि तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर तो पेपर होने हुए तो वहाँ पर हमें डेट शीट का पता चल जाएगा कि कब होंगे, तो अगर पेपर नहीं होंगे तो उसकी भी वहाँ पर इंफॉर्मेशन आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।